हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव त्रिपाठी बीएचयू वर्ल्ड परिवार के बिहाफ पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया हुआ है, तो उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर में, सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद मैं उसमें पूछने वाला केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, पर्टिकुलर केमिस्ट्री सब्जेक्ट का आपको कुछ उसकी स्ट्रेटेजी और उसके सिलेबस के रिगार्डिंग मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आइए हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में कुछ जनरल चीजों के बारे में जानकारी ले लेते हैं, कुछ पेपर पैटर्न्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो आपका बीएससी एजी का पेपर होता है उसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है और टोटल 300 मार्क्स के, मतलब हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का और नेगेटिव मार्किंग -1/3 होती है। आपका जो इसमें जो पेपर होता है, इसमें मेन चीज होती है, कई लोगों ने समझाता है कि इसमें सेक्शंस काफी होते हैं, तो उस चीज को मैं समझा देता हूँ। इसमें टोटल आपका पेपर 5 सेक्शंस में आता है। पहला सेक्शन आपका मेंटल एबिलिटी का 25 क्वेश्चंस का, केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन का, जिसका आज मैं आपका एनालिसिस और स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा इस सब्जेक्ट का। बाकी और सब्जेक्ट के जो एनालिसिस होंगे उसके वीडियोज आपको जल्दी मिलेंगे, उसके लिए आप हम लोगों से कनेक्ट रहिए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए, आपको उनके भी वीडियोज आपको जल्दी मिलेंगे। तो केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन और फिजिक्स और मैथ्स के 50 क्वेश्चन, बॉटनी जूलॉजी का सेक्शन 50 क्वेश्चन का और एग्रीकल्चर आपका 50 क्वेश्चन का, ठीक है। अब मेंटल एबिलिटी और जो केमिस्ट्री का सेक्शन होता है ये हमारा कंपलसरी है, मतलब मैथ्स और बायो के दोनों के स्टूडेंट करने हैं। आपको मैं चीज बता दूं कि बीएससी एजी का जो पेपर है उसको मैथ्स और बायो, जिनका ट्वेल्थ मैथ्स या बायो कुछ भी हो, वो लोग भर सकते हैं, दोनों लोग भर सकते हैं। तो दोनों ये दोनों सेक्शन तो 25-25 क्वेश्चन के करने ही करने हैं। उसके बाद आता है हमारा तीन सेक्शन में कोई एक सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है, सेक्शन अटेम्प्ट करना है, मतलब 50 क्वेश्चन कोई एक सेक्शन, तो 25-25-50 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब सीधी सी बात है, मैथ्स का कोई भी स्टूडेंट होगा फिजिक्स और मैथ्स वाला सेक्शन करेगा, बायो का कोई स्टूडेंट होगा बॉटनी और जूलॉजी करेगा, या कोई एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है जिसका ट्वेल्थ एग्रीकल्चर हो एडिशनल सब्जेक्ट में, वो आपका एग्रीकल्चर वाला पोर्सन जो है अटेम्प्ट करेगा। इसका जो पेपर आता है, मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो पेपर होता है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक लेवल्स के आते हैं, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट और बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं पूछता है, क्वेश्चंस छोटे होते हैं और इजी गोइंग क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इजी गोइंग क्वेश्चन आपको लगेगा कि पेपर बहुत इजी होता है, पेपर इजी होता है लेकिन कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। इसका मैं रीजन बता देता हूँ आपको, हर साल यहाँ पर ऑनलाइन एवरेज 80,000 फॉर्म जो है वो हर साल लगभग फॉर्म भरे जाते हैं, 80,000 के ऊपर ही फॉर्म, क्योंकि मैथ्स और बायो दोनों के स्टूडेंट भरते हैं, इस वजह से 80,000 के ऊपर फॉर्म्स भरे जाते हैं। और आपको मैं सीट्स बता दूं तब आपको कंपटीशन समझ में आएगा। आपका जो मेन कैंपस है, मेन कैंपस में आपके 123 सीट्स हैं, जिसमें कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता रहा हूं मैं, टोटल 123 सीट्स। और आपका जो राजीव गांधी साउथ कैंपस मिर्जापुर में जो है उसमें आपके 40 सीट्स आपको वहां पर है, और 15 सीट्स जिसको सप्लीमेंट्री सीट्स कहा जाता है, जो कि ICAR एक एग्जाम होता है उसके थ्रू सीट्स भरी जाती हैं। तो आप देख सकते हैं 80,000 में 123 सीट्स और 40 सीट ही है, मतलब 150 के अंदर आपको रैंक लेके आनी है। तो इस तरह से आप इसको कंपटीशन की इसको समझ सकते हैं, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक लेवल्स के होते हैं। तो अब मैं आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, पर्टिकुलर केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, मैं आपको स्ट्रेटेजी प्लान क्या होगा, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, और उसके बाद इस पेपर में आपको मैं डिटेल एनालिसिस हर एक चैप्टर का, 4 साल के सारे क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, जिससे आपको रियल फीलिंग आएगी कि किस चैप्टर से हमारा इंपॉर्टेंट जा रहा है, किससे क्या हो रहा है, तो उससे आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगे। तो आइए अब हम लोग स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद आपको सिलेबस के बारे में बता देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बीच में लिखा सक्सेस, मतलब आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको 4 पॉइंट से होके गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट आपका आता है क्या, सिलेबस। तो सबसे पहले सिलेबस में क्या, सिलेबस में आपको पहले सिलेबस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके पूरा सिलेबस क्या है, उसमें हर एक चैप्टर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और कम से कम 3-4 सालों का आपके पास एनालिसिस होना चाहिए कि हम 3-4 सालों में क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या चल रहा है, कैसे क्या चीजें आ रही हैं। तो जैसा कि हम केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं, तो हम केमिस्ट्री के सिलेबस के आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे, 3-4 सालों के पूरे क्वेश्चंस का जो ट्रेंड आ रहा है, जो एनालिसिस है पूरी, वो मैं आपको दूंगा।
तो सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन बटोर लीजिए अपना, दूसरा मैंने लिखा है कि वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स। तो अगर आपको सिलेबस की इंफॉर्मेशन होगी अब उसको खत्म करना पड़ेगा, तो सिलेबस को आपको खत्म करने के लिए आपको उसमें परेशान नहीं होना, हम ही लोग उसमें आपकी हेल्प पूरी कर रहे हैं। आपको क्या करना है कि वीडियो लेक्चर, आपको क्या करना है वीडियो लेक्चर देखना है। तो वीडियो लेक्चर्स को ऐसा नहीं कि कपिल शर्मा शो के तरीके से उसको लगा लिया पूरे एंटरटेनमेंट के साथ देख रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए, वीडियो आप देखते रहिए। मान लीजिए 50 मिनट का वीडियो हो तो उसमें जो भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हो उसको सबको आप नोट करते चलिए, वो आपको बाद में हेल्प करेगा। मान लीजिए आप उस समय तो समझ जा रहे हैं चीजें, लेकिन बाद में चीजें रिटेन करने के लिए, रिकॉल करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपके पास एक प्रॉपर नोट्स हो। और कोई अगर एक्स्ट्रा मटेरियल की आवश्यकता होगी जहां पर हमें लगेगा कि आप इसको नोट्स नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके हम आप लोगों को पीडीएफ शीट्स प्रोवाइड कर दिया करेंगे, जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप लोग वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स अगर कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और किसी भी एग्जाम में सबसे मेन चीज होती है आपका सिलेबस पहले कंप्लीट हो, उसके बाद की स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट है सक्सेस होने के लिए क्या है कि टाइम टेबल आपका। टाइम टेबल क्या मतलब, सबसे मेन चीज जो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ हिंदी में कि रोज का काम रोज, मतलब क्या है कि जैसे आप मान लीजिए आज आपने एक वीडियो देखा 50 मिनट का, आपने वीडियो देखा वैसे बता दो 50 मिनट का हिसाब लेक्चर देख रहे हैं तो उसमें कम से कम आपको 2 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि उसमें आप पॉज कर करके चीजों को नोट करेंगे, समझेंगे, मान लीजिए नई चीज समझेंगे, फिर से पीछे करके आप वीडियो देखेंगे। तो उसको बहुत सिंसियरली, उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत डिस्टर्ब होकर नहीं देखना, एकदम कंसंट्रेशन बनाते हुए। तो 2 घंटे को, 2 घंटे में कम से कम आपका लेक्चर समाप्त होगा। उसके बाद उस लेक्चर से आपको सीट्स प्रोवाइड हम ही लोग करेंगे, उस सीट्स को आपको उसी दिन कर लेना है, क्योंकि आपने पढ़ा है तुरंत, तो कॉन्सेप्ट भी आप अच्छे से अप्लाई करेंगे, चीजें समझ जाएंगे। और आपको हम लोग जैसे मान लीजिए अगर हम रेफर करते हैं तो कोई बुक रेफर करते हैं, या मान लीजिए बुक में तो आपको एनसीईआरटी की आपको रेफर नहीं करेंगे, मान लीजिए आपको एनसीईआरटी बुक रेफर करते हैं कि आप इसको पढ़ लीजिएगा, तो उससे क्या होगा उसी दिन जब आप पढ़ेंगे तो चीजें बहुत तेजी से समझ में आएंगी। ये मेरा सब पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई हॉब वाली बात कर रहा हूँ। तो आप इस चीज को करिएगा, रोज का काम रोज करेंगे, एक टाइम टेबल में अच्छे से रह के काम करेंगे तो चीजें आपको खुद ही बहुत अच्छी लगेंगी। तीसरा पॉइंट जो आता है हमारा प्रैक्टिस का आता है। देखिए पेपर जो है 2 घंटे में 100 क्वेश्चन, इसके लिए आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको एक वर्ड यूज किया था टाइम बाउंड, तो यहाँ पर भी आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, सारी चीजें हम लोग खुद प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा क्वेश्चन ड्यूरिंग लेक्चर, जब आपको लेक्चर हम लोग देते रहेंगे उस समय क्वेश्चंस कराएंगे, कुछ वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, अच्छे ही क्वेश्चंस कराएंगे, तो उन क्वेश्चंस को आपको नोट करते हुए रखना है। उसी लिए मैंने यहाँ पर लिखा है नोट्स, और यहाँ पर आप एग्जांपल और भी कोई जब कोई फॉर्मूला लिख देते हैं, कोई कॉन्सेप्ट्स में मान लीजिए हम लोग कुछ लिखा रहता है, कुछ फिगर बना होता है, वो सब आप नोट कर लीजिएगा। तो ये चीज, ये पहला आपका इंपॉर्टेंट होगा जिसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। फिर आता है आपका पीडीएफ क्वेश्चन सीट्स, जो कि हम अभी मैंने बताया कि हम लोग पीडीएफ क्वेश्चन सीट्स प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन एक लेक्चर जितना प्रोवाइड करेंगे उसको आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, वो सब अच्छे हुए छठे हुए क्वेश्चन रहेंगे। तीसरा जो मैंने लिखा है यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं बता दूँ कि 20% जो हमारा पेपर होता है वो इसी के इर्द गिर्द बनता है। इर्द गिर्द मतलब क्या है कि जैसे कि जो कॉन्सेप्ट 2 साल पहले किसी क्वेश्चन में आया वही सेम कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। हाँ, हो सकता है कि उसमें डिजिट चेंज करें, कुछ चेंज करें, और कई बार ऐसा होता है कि एज इट इज क्वेश्चंस को लिख देते हैं। बात आती है किस चीज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करें, कौन सा करें। तो देखिए उसमें हम लोग को करना क्या है, हम लोग पहली बात तो जो बीएससी एजी का ही पुराने पेपर्स हैं, और फिर उसमें मैथ्स के बीएससी मैथ्स और बायो केमिस्ट्री पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, तीनों में कॉमन है। तो क्वेश्चंस क्या करते हैं, कभी बायो वाला उठा के एजी में डाल दें, मैथ्स वाला उठा के बायो एजी में डाल दें, या एजी वाला उठा के मैथ्स बायो में डाल सकते हैं। जैसे बेटर रिलेशंस होते हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 साल के पेपर्स को अटेम्प्ट करना है, अच्छे से करना है। अगर आपको कुछ उसमें प्रॉब्लम्स होती है किसी क्वेश्चन में तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं, आप उन क्वेश्चंस बताइए हमारे कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स करिएगा, बाकी हम आप कुछ नंबर्स प्रोवाइड करेंगे, उनसे भी आप हम लोग से कॉन्टेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो ये चीज हुई, तो ये इंपॉर्टेंट है 20% क्वेश्चन पेपर अगर यहाँ से बन रहा है, देखा गया ऐसा बनता है, हम लोग दिखाएंगे भी आपको जब वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पेपर हम लोग का 20% वहां से आ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको और बता दूं कि जो आईआईटी जेईई मेंस के पुराने क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री के लिए बात कर रहा हूँ, या जो पहले आईआईटी चलता था, और जो नीट के क्वेश्चंस होते हैं,
कम से कम अगर आप इन लोगों का इनका सबका 3-4 सालों में कर लेंगे तो देखेंगे कई क्वेश्चन आइडेंटिटीज इसमें छापे जाते हैं, और खासकर मैथ्स बायो वाला जो पोर्शन है उसमें तो जरूर आता है। ये चीज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आईआईटी जेईई मेंस उसके क्वेश्चन एज इट इज छापते हैं, मैथ्स बायो एजी में थोड़ा कम आता है लेकिन तब भी कॉन्सेप्ट्स यूज होते ही हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो थोड़ा कम होता है, कॉम्पिटिशन ज्यादा होता है, क्वेश्चन का लेवल कम होता है। अगला मैंने लिखा टेस्ट एनसीईआरटी बुक से साइज, जैसे एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि सर कौन सी बुक, तो बुक के पीछे आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, इतना मेटेरियल हम लोग जितना दे रहे हैं मोर देन सफिशियंट है आपके सिलेक्शन के लिए। जो बुक्स की भी बात करेंगे सिर्फ आपको उसमें एनसीईआरटी बुक के बारे में बात करना है, एनसीईआरटी बुक की ही कोई थ्योरी में रिफर करूंगा, एनसीईआरटी बुक के ही एक्सरसाइज की बात करूंगा, एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल एक्सरसाइज क्वेश्चन दे रहे हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके इस बीएससी के लिए, तो बहुत है उसके मोर देन सफिशियंट, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी बुक में जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट जो दिया होगा वो बताएंगे हम चैप्टर वाइज, तो उसमें आप देखिएगा बहुत है, और बाकी कहीं पर एक्स्ट्रा जरूरत हो तो उसकी हम लोग सीट प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको किसी भी बुक की आवश्यकता नहीं है। और बुक क्या है ना कि अगर आप कोई रेफरेंस बुक लेते हैं तो रेफरेंस बुक में कोई चीज इतनी बढ़ा के दे दी जाएगी उसका आप अपने आप छांट ही नहीं सकते कि हमें कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना, वो कोई आपको मेंटली आपको बता सकता है कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना, तो वो चीजें हम लोग आपको बताते रहेंगे। आपको हम लोग अभी तो ये केमिस्ट्री का मैं बता रहा हूँ, आगे भी और सब्जेक्ट का आप लोगों को पता चलता रहेगा, इसके लिए आप हम लोग से कनेक्ट रहिए। तो तीसरा पॉइंट सक्सेस के लिए क्या मैंने लिखा, प्रैक्टिस, जिसके बारे में मैं तो डिस्कशन कर ही चुका हूँ। फिर चौथा पॉइंट देखिए क्या है, रिवीजन। देखिए मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि होता क्या है, जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किए तो मान लीजिए पहला चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर आप पूरा कॉन्सेप्ट थ्योरी सब समझ में आता है आपको, आप उससे क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, 50-100 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट भी हो जाते हैं, आपको चैप्टर बहुत अच्छे समझ आ गया। फिर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर जब बीतता है, जब समय बीतता जाता है, 4 चैप्टर केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, बायो भी पढ़ रहे होंगे, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो जब मान लीजिए 3-4 महीने का ड्यूरेशन हो जाता है तो बंच ऑफ मेटेरियल आपके पास इकट्ठा हो गया ना, तब आप अगर रिवीजन करने की सोचेंगे भी तब आप रिवीजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तब दिमाग में क्या आता है यार इसको हम पढ़े हैं इसको एग्जाम टाइम रिवीजन कर लेंगे। अब एग्जाम टाइम में रिवीजन क्या मतलब कि 1-2 महीना पहले, तो जब आप 1 महीना पहले जब आप अपना सिलेबस देखते हैं तो आपके पास बंच ऑफ मेटेरियल इतना मेटेरियल आपके पास दिखता है कि फिर उसमें रिवीजन करने में क्या होता है कि आप हड़बड़ा जाते हैं, फिर आप चीजें परेशान होंगे, फिर आप अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम में नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान सुनिएगा, कि लास्ट महीने की जो स्ट्रेटेजी होती है रिवीजन की वो सबसे मेन चीज होती है सिलेक्शन के लिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे मेन स्ट्रेटेजी जो आपकी लास्ट महीने की रिवीजन की स्ट्रेटेजी, लास्ट महीने पढ़ाई की स्ट्रेटेजी नहीं, उसमें हम उसी में पढ़ के सिलेक्शन लेंगे, आपकी रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या होगी वो सबसे मेन होगी, जिसका वीडियो हम लोग आपको लास्ट महीने जब आएगा तो हम लोग पूरा रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या किस तरीके से आप पढ़ाई करें उसको भी हम आप लोगों को बता दिया करेंगे। तो रिवीजन इसलिए मैंने लिखा है की ऑफ सक्सेस, और लास्ट 1-2 मंथ की स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत मेन होती है ये चीज है। और रिवीजन आप लास्ट महीने की कब कर पाएंगे, जब आपका सिलेबस जो होगा वो टाइमली कंप्लीट होगा, तो सिलेबस का टाइमली कंप्लीट होने के लिए आपको टाइम टेबल के हिसाब से चलना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको लगातार करनी पड़ेगी, और रिवीजन आपका सबसे मेन चीज है, तो रिवीजन पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। इसके लिए आप क्या करें, जैसे मैंने कह तो दिया कि 3-4 महीने ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन इसके लिए करना क्या आपको, इसके लिए करना क्या है, आप जैसे मान लीजिए आप लेक्चर देख रहे हैं, सीट सॉल्व कर रहे हैं, एनसीईआरटी बुक सॉल्व कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, तो करना क्या है आपको मंडे से सैटरडे तक सारी चीजों को करिए, ठीक, मंडे से सैटरडे तक जितना भी आपको पढ़ना पढ़ाना नई चीजें सब पढ़िए, लेकिन संडे के दिन आप सारी नई चीजें जो है ऑफ रखेंगे, कोई नई चीज नहीं पढ़ेंगे उस दिन। क्या करेंगे, हफ्ते भर की जो चीजें होंगी उसको सिर्फ आप रिवाइज करेंगे, सिर्फ रिवाइज करेंगे, छोड़ देंगे, कोई टेंशन नहीं लेना, सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन करने में क्या है, संडे को अगर रिवीजन करेंगे तो सैटरडे और फ्राइडे की चीजें तो आपको वैसे ही याद रहेंगे, उसका दिक्कत नहीं, दिक्कत कहां होती है, मंडे से वेडनेसडे की चीजों में, तो उसको रिवीजन कर लेंगे तो चीजें आपको रिटेन रहेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए। और मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि आप रिवीजन अपने कर रहे हैं तो लास्ट महीने का रिवीजन जो है आपका, वो जो लास्ट महीने का जो रिवीजन वाला होगा उसकी स्ट्रेटेजी तो हम लोग आपसे डिस्कस कर ही लेंगे, और बाकी ये चीज आप कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में इसको इस रिवीजन को रखिएगा, तो इससे 110% है कि आप यहाँ तक पहुंचेंगे। इस चीज को मैं ये भी एश्योर करता हूँ, अगर आप इतने चीजों को फॉलो करते हैं तो 25 क्वेश्चन आते हैं
25 का नहीं कहूंगा, मैं तो लगे ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहे हैं, 24 से 25 क्वेश्चन आपका अगर 25 में नहीं सही होगा तो हमसे मिलिएगा, मैं आपको एश्योर करता हूं इतनी चीजों को फॉलो करिएगा। तो आइए अब हम लोग अपने सिलेबस के बारे में जानकारी लेते हैं पूरी। तो सिलेबस में जैसे कि सब लोग जानते हैं केमिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो मैं आपको 4 साल का पूरा क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान दीजिए क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है, और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, तो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन में आप सबसे पहले डिस्कस करना चाहता हूँ, देखिए ऑर्गेनिक क्वेश्चन 2018 से 2015 तक पिछले 4 सालों में लगातार 9 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर हम एक एवरेज की बात करते हैं तो कहा जा सकता है यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन जो है आने के पूरे आपके चांसेस हैं। तो अच्छा पार्ट कवर कर रहा 25 क्वेश्चन में 8-10 क्वेश्चन, और क्वेश्चंस के लेवल इजी लेवल होते हैं आप ये जानिए। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आता है आपका जीओसीआई मैकेनिज्म, जिसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिएक्शन मैकेनिज्म की हम लोग बात करते हैं। मैंने यहाँ रिपोर्ट लिखा जान है जान, तो क्या मतलब है कि जीओसीओ मैकेनिज्म जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है, तो जीओसीओ मैकेनिज्म आना सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए पूरी केमिस्ट्री, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए। अगर आप जीओसीओ मैकेनिज्म अच्छे से कर लेते हैं तो आपके यहां तक की चीजें जो है आसान हो जाएंगी आपके लिए, मतलब आपको जो चीजें समझनी है आपने समझने वाली चीजें आसान हो जाएंगी, और कुछ एक्सेप्शन जो होंगे उनके सबको आपको याद करने पड़ेंगे। तो इसीलिए लिखा मैंने जान, क्योंकि इतने बड़े कोर्सेस को ये कवर कर रहा है। तो आइए जीओसी देख लीजिए क्वेश्चन के हिसाब से भी कैसा जान है, जान मतलब जान की इंपॉर्टेंस सभी लोग समझते ही होंगे। तो देखिए 2018 में आपका 3 क्वेश्चन, 2017 में 3 क्वेश्चन, 2016 में, 2015 5 क्वेश्चन, तो 3 से 5 क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंस तो आपको समझ में आई जाएगी। जीओसी का जो 3 से 5 क्वेश्चन है ये, जैसे अगर हम जीओसी की पर्टिकुलर बात करें तो 3 पार्ट में आपके जीओसी को हम तोड़ सकते हैं। एक तो आपका पहले जो इफेक्ट्स वाली चीजें आती हैं उनके एप्लीकेशन, जैसे कि आपके इंडक्टिव है, रेजोनेंस इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन है, फिर उनके जो एप्लीकेशंस होते हैं उसमें जिसमें आपकी स्टेबिलिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आप मान के चलिए आपका कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हो गई या एसिडिटी का ऑर्डर हो गया, पूछ ही लेता है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। और दूसरा पार्ट इसका जैसे आइसोमेरिज्म का पार्ट होता है, आइसोमेरिज्म से एक आध क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उसको भी अच्छे से हमें कवर करना है। और तीसरा पार्ट जो आता है इसका हमारा एरोमेटिसिटी से है, उससे भी बहुत सिंपल सिंपल अगर एक स्टडी आप लगा लेते हैं तो अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मैकेनिज्म की बात करें तो रिएक्शन मैकेनिज्म में जो 3-4 प्रकार की रिएक्शन होती है उनको हमें स्टडी करना है, जिसको डिटेल में आपको वीडियो लेक्चर बताएंगे। और रिएक्शन मैकेनिज्म में बता दूं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 इनसे सबसे मैथ्स BSc मैथ्स बायो हो जाए चाहे AG हो जाए, सब में 1-2 क्वेश्चन को रखते ही रखते हैं किसी न किसी तरीके से। तो ये हमारा पहला चैप्टर, इसकी इंपॉर्टेंस आप समझिएगा। दूसरा चैप्टर था हमारा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में आपका 2 पार्ट्स है, एक तो एलिफेटिक वाला जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और जिसमें ज्यादा फोकस आपको एल्कीन पे करना होता है, एल्कीन बहुत अच्छे से पूछता है, ऑलमोस्ट हर ईयर पूछता है। और दूसरा आपका बेंजीन से रिलेटेड रिएक्शंस होती हैं। तो हाइड्रोकार्बन से क्या है कि जैसे इसमें प्रिपरेशन और रिएक्शंस होती हैं, तो कुल मिलाकर उसको मैकेनिज्म में काफी कुछ कवर करने की कोशिश करता है, इसलिए क्वेश्चंस जो हैं वो कम आते हैं। जैसे देखिए कभी कभी आता भी नहीं है, कभी 1 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जैसे कि इसमें 25 क्वेश्चन ही आते हैं, तो हर टॉपिक को ऐसा नहीं कि हर टॉपिक में 3-5 क्वेश्चन पूछ सकता हो, तो कोई टॉपिक आएगा कोई टॉपिक नहीं आएगा आपका, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन नहीं भी आ सकते हैं, तो उसके लिए ज्यादा परेशान जरूरत नहीं है। तीसरे पार्ट की बात करें तो जिसमें हमारा लिखा मैंने एल्किल हैलाइड, अल्कोहल, और ये आपका क्या है फिनॉल, तो इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। इसमें आपके रिएक्शन है, प्रॉपर्टीज हैं, और रिएक्शन प्रॉपर्टीज क्या केमिकल रिएक्शन है, मतलब उसमें आपके केमिकल रिएक्शन और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो रिएक्शन जो आपके केमिकल रिएक्शन होती हैं उसमें काफी कुछ तो नेम रिएक्शन इन्वॉल्व करता है, क्वेश्चन जो आते हैं काफी कुछ नेम रिएक्शन से आते हैं, और नेम रिएक्शन मैंने लिखा एनसीईआरटी, मतलब क्या है कि नेम रिएक्शन आप अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। अगर आप किसी एक उठा लीजिए जैसे ये इसकी पोर्शन से अगर मैं बात करता हूँ, एल्डिहाइड, एसीटोन, एसीटोन मतलब सॉरी एल्डिहाइड, कीटोन, एसिटामाइन, इनकी सबकी जो नेम रिएक्शन है बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको इस लेवल पर नहीं पढ़ने की जरूरत, जो एनसीईआरटी में आपकी नेम रिएक्शन दी गई है मोर देन सफिशियंट आपके लिए,
एज इट इज उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या करेगा, नेम रिएक्शन की पूरी लैंग्वेज आपको लिख के दे देगा, अब पूछ लेगा कौन सी रिएक्शन है, या डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट उससे बनवा लेगा। तो चीजें बहुत आसान होती है नेम रिएक्शंस में, जैसे कुछ है जैसे सैंडवेयर रिएक्शन है, आपकी रोजन मून रिडक्शन होती है, और आपका ये सब वुड्स रिएक्शन है, जितनी भी है सब हर एक रिएक्शन आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा विद मैकेनिज्म। तो डायरेक्ट पूछता है, काफी क्वेश्चन आते नहीं, वन टू वन जो लिखा ये सब मिला के समझिएगा इनका पोर्शन। तो ये चीजें हो गई, आप क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका भी आप देख लीजिए, इसमें भी जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन आप मार्क्स हैं अच्छे हैं, मतलब आपके दो से तीन क्वेश्चंस आपको जरूरी कंटेन करता है ये टॉपिक, बड़ा टॉपिक भी है, और इसमें आपके वही केमिकल रिएक्शंस हैं और इसके प्रिपरेशन वाले रिएक्शंस हैं, वो भी आपके सब जो एनसीईआरटी के अंतर्गत आते उतने ही करने, और डायरेक्ट आती है, कोई बहुत घुमा उसमें नहीं पूछता है। तो अगर आप एक सिंसियर रूप से भी हल्के से स्टडी कर लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अगला आपका आता है, इसमें मैंने एक टॉपिक लिखा है बायोमोल, नेम रिएक्शन बारे में मैंने बताया कि आपको एनसीईआरटी के कवर करना है, और इंपॉर्टेंट आता ही आता है, एक दो क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, और बहुत इजी गोइंग होता है, मतलब देख टिक करने टाइप वाला। लास्ट हम लोग बात करते हैं पॉलीमर बायोमोलिक्यूल्स, जो कि आपके एनसीईआरटी के 12th की सेकंड पार्ट के बुक में कुछ रफली 30-40 पेजेस में ये आपका दिया गया है। तो उस इसमें से क्या है कि कभी कभी क्वेश्चंस देखिए ऐसा नहीं आ ही जाता, सिर्फ एक दो क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, कभी कभी नहीं भी आता है, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि पता तो है नहीं कि पेपर तो हम लोग तो सेट करते नहीं है, तो इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा हमें। तो रफली एनसीईआरटी के 30-40 पेजों के लिए एनसीईआरटी आप कर लीजिएगा, तो आप मान के चलिए एनसीईआरटी इन सब चैप्टरों के लिए गीता बाइबल जैसी होती है, उसमें आपको पर्सनल जरूरत नहीं होगी, उसकी स्टडी आपने अच्छे से कर ली तो आपका क्लियर ही हो जाता है ये पोर्शन। तो ये कुल मिला के हमारे ऑर्गेनिक का एनालिसिस हुई, आपके ये पूरा क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, आप इससे पढ़ने जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए अब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा डिस्कशन कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए तो लगभग आपके 8 से 9 क्वेश्चन जो है ऑनलाइन एवरेज आ रहे हैं, बाकी मैंने एग्जैक्ट जो डेटा है वो लिख दिया आपको, 9 क्वेश्चन 2018 में, 2017 में 9 क्वेश्चन, 2016 में 8 क्वेश्चन, 2015 में 8 क्वेश्चन, तो ये 8 से 9 क्वेश्चन लगभग ये भी कवर कर रहा है हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि जैसे इसमें हर एक पोर्शन को ये कवर नहीं करता है अच्छे से, जैसे कि अगर हम लोग देखें लास्ट के 2 टॉपिक्स को, तो चलिए पहले ऊपर के डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं सबको। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें आपका पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो है वो भी इंक्लूड होता है, मैंने इसके लिए एक वर्ड लिखा है लाइफ सेवर टॉपिक। ये क्या है कि देखिए इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट का सब कुछ जो भी समझ सकते हैं इसको स्टोरेज सब कुछ इसके अंदर है। जैसे मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कहा था जीओसी मैकेनिज्म जो है पूरा कॉन्सेप्ट उसमें सब कुछ समझना है पूरे, अगर आप उसको समझ जाते हैं पूरी ये ऑर्गेनिक समझ लेते हैं, वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपके ये सब चैप्टर जो है बड़े आसानी से हो जाते हैं। इसलिए लाइफ सेवर टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं लाइफ सेवर टॉपिक्स कैसे इसको मैं कह सकता हूं, क्योंकि अब 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 25 में 6 क्वेश्चंस अगर एक चैप्टर से आ रहा है तो ये इसकी इंपॉर्टेंस आप खुद समझ सकते हैं कितनी ज्यादा हो जाती है। तो 6, 4, 2, 3 तो इस हिसाब से इसका आप समझ सकते हैं 4 से 6 क्वेश्चंस लगभग इसमें आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से ये आपका लाइफ सेवर टॉपिक हो ही जाएगा। फिर अगर हम लोग बात करते हैं आगे आते हैं ब्लॉक थ्योरी में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग और पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बात करें, तो जैसे उसमें क्या है कि आपका जो पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एक क्वेश्चन जरूर आता है, जिसमें आपका एटॉमिक रेडियस हो गया, नेसन एंथैल्पी हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, उनके सबके ऑर्डर से एक क्वेश्चन आपके वो रखता ही रखता है। और फिर केमिकल बॉन्डिंग में तो पूरा पोर्शन यहाँ पर हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चीजें जैसे आपकी एमओटी से मॉलिक्यूलर ऑर्डर थ्योरी में आपका बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड ऑर्डर है, तो उसमें पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं इनको डिटेल्स पढ़ना है आपको, उन सब से तो एक दो क्वेश्चंस इनको रखना ही रखना है, मतलब 110% आप मानिए कि क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फिर अगर हम लोग ब्लॉक थ्योरी की तरफ चले एसपी ब्लॉक, तो जैसे इसमें मैंने हाइड्रोजन जैसे चैप्टर नहीं लिखा है, हाइड्रोजन क्वेश्चंस अभी तक तो नहीं आए हैं, हो सकता है ना भी है, लेकिन आपको हम लोग पढ़ाएंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस का ट्रेंड बता रहे हैं उसका बताने का आपको मतलब ये है कि ऐसा देखा गया कि ऐसे आ रहा है, तो ऐसा नहीं जिस टॉपिक से हम कह देते हैं क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आएंगे ही नहीं, आ सकते हैं लेकिन आपको चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जैसे कि आप
जब लास्ट टाइम में रिवीजन करेंगे तो मान लीजिए आपके पास टाइम कम है, तो जो जिन टॉपिकों पे बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं जिसे आप जब एनालिसिस देखेंगे तो आपको क्या करना है, उनको स्किप कर देना उन टॉपिक्स को, तो आपके लिए टाइम बच जाएगा। तो ये इस चीज के लिए एनालिसिस है। इसका मतलब ये नहीं कुछ चैप्टर ही नहीं पढ़ना, पढ़ना में सब है, लेकिन आप रिविजन टाइम में स्किप कर सकते हैं। तो एस पी ब्लॉक के लिए मैंने लिखा है एनसीईआरटी गीता बाइबल के तरीके से आप मानिए उसको, मतलब सब कुछ आपके लिए हो। तो इसमें आपको एनसीईआरटी से ही मेनली फोकस करना है। एनसीईआरटी के बाहर जाएंगे आप तो परेशान हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं सब। तो मेनली आपको उसमें फोकस करना है जिसमें आपके कंपाउंड्स, उनके प्रॉपर्टीज, यही सब आपको मिलेंगे, जिसमें देख सकते हैं एक दो क्वेश्चंस आ ही रहे हैं और प्रॉपर्टीज से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं और कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो एक दो तीन, मतलब दो से तीन क्वेश्चंस मान के चलिए आपका आता है। अगला हम लोग बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जिसमें डीएफ ब्लॉक आता है। तो उसमें भी आपका एक से दो क्वेश्चंस हर साल मिल रहे हैं। तो इसमें तो दो टॉपिक्स ही पकड़ता है, ऐसा नहीं पूरे चैप्टर में नहीं, दो ही टॉपिक्स में कहूंगा। एक तो आपका कलर वाले टॉपिक जो है, एक उसमें मतलब कलर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, उसको भी डिटेल में समझिएगा। अभी अब ज्यादा बताने लगूंगा तो आप लोगों को मतलब थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगी। तो पहला वो समझिए और दूसरी चीजें जो आपकी KNO4 K2Cr2O7 से संबंधित है, उससे बीएससी मैथ्स बायो में भी K2Cr2O7 और KNO4 से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो उनको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आपके कुछ टॉपिक्स मैंने लास्ट में लिखे हैं, ये सब तो टॉपिक्स बीएससी मैथ्स बायो में तो अच्छे से पूछे जाते हैं, क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस की संख्या भी ज्यादा होती है, 50 क्वेश्चन, यहां पर आपके 25 क्वेश्चन ही है। तो इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन आते हैं, कभी-कभी क्वेश्चंस आते हैं। तो अब जैसे कोऑर्डिनेशन, आश्चर्य करने वाली चीज ये है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत अच्छा चैप्टर है, लेकिन इससे 2017 में आपका एक क्वेश्चन आया था उस, और बाकी हाल के सालों में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन ही नहीं आया है। आप पढ़ेंगे चैप्टर्स को, पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छे से आपको लेक्चर दिया जाएगा, आपको पढ़ना है, लेकिन अब नहीं आया है तो इससे हम ये नहीं कह सकते इस साल आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आपको फोकस करना है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और तो जैसे सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर, सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर में कुछ खास है नहीं, मतलब हम लोग के लेवल पे तो कुछ नहीं है। क्वेश्चंस कभी कभी एक क्वेश्चन एक बार आ गया था 2017 में, तो क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं इसमें, सिंपल वही है कि हम लोग कैटायंस को कितने ग्रुप में डिवाइड करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं, उनके ग्रुप रिजल्ट क्या है, इतना ही डिस्कशन, 15-20 मिनट के डिस्कशन में एक क्वेश्चन निकल सकता है। तो हो सकता आ जाए और चांसेस इस सबके कम है। तो जो एनालिसिस का है, इसका मतलब आप इतना ही तक समझिएगा कि हम लोग को रिवीजन में इन टॉपिकों को स्किप कर सकते हैं अगर हमारे पास टाइम की कमी है। तो ये हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनालिसिस है। मैं इसको आप आराम से पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, आप जब रिवीजन करने बैठेंगे या जब भी चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आप जैसे आप मान लीजिए आपका जैसे मैंने लिखा लाइफ सेवर टॉपिक, तो आप इसको बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये रहा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के डिस्कशन करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप सभी लोग जानते हैं इसमें थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल पार्ट को भी कवर करता है, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बहुत बेसिक लेवल के आते हैं, जिसमें आप सीधे फॉर्मूला अप्लाई करके उसके रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल पोर्शंस भी होते हैं। तो बात करें तो इसमें लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस जो है ऑन एन एवरेज आ रहे हैं, जैसे मैंने जो एग्जैक्ट डेटा लिखा उसको आप देख सकते हैं, 7 से 8 क्वेश्चंस लगभग आ रहे हैं। बाकी आपका ये पूरा क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें आपके चैप्टर वाइज में बात करता हूँ। सबसे पहले मैं गैसेस स्टेट की बात करता हूँ। तो गैसेस स्टेट में देखिए क्वेश्चन जो है काफी कम आते हैं, मतलब कभी एक क्वेश्चन आ रहा कभी नहीं आ रहा, लेकिन रैंडमली आपको पढ़ना, तो आपको पढ़ना तो सभी पड़ेगा। तो गैसेस स्टेट में जैसे कि हमारे वांडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट है और बाकी उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज आती हैं, आरएमएस वेलोसिटी हो गई और सब चीजें, तो उस पर फोकस करना है, जिसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन, अभी लेटेस्ट 2017 में रेट ऑफ डिफ्यूजन से आपके क्वेश्चन आए थे, तो उन सब टॉपिकों को अच्छे से कवर किया जाएगा। सोल्यूशन में बता दो, सोल्यूशन में आपका बेसिक टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो यहां से आपके क्वेश्चंस जरूर बनते हैं, जरूर हर साल आए हैं, आप देख सकते हैं कभी कभी 3 क्वेश्चंस भी आ गए हैं। तो ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और इसमें से आपका न्यूमेरिकल फंसेगा, 1-2 न्यूमेरिकल इसमें से आने के चांसेस होते हैं। अगले टॉपिक की बात करें तो अगला हमारा रिडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो रिडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रिडॉक्स की बात करें तो जब जल्दी में ही 2018 में बैलेंसिंग से क्वेश्चन आ गया था, रिएक्शन बैलेंस करने वाला, तो इसमें दो ही टॉपिक है, एक ऑक्सीडेशन नंबर, एक रिएक्शन बैलेंस, तो दो से ही क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आपका अच्छा चैप्टर है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि दो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से फोकस करना है।
तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो पार्ट्स में है आपके, जैसे आपका गैल्वेनिक सेल और आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बता दूं, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और फैराडेज लॉ से क्वेश्चंस हर साल बने हुए हैं, आप देख सकते हैं, तो उसमें से एक दो क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट अगला हम लोग बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स या रेडियो एक्टिविटी मैंने लिखा है। जैसे होता क्या, मैंने देखा चार पांच साल के पेपरों में लगभग असल में पेपर में रेडियो एक्टिविटी टॉपिक को रख रहा है, तो ये टॉपिक जो आप उसमें फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स में भी ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करते हैं, यहाँ पर भी आपको बता दिया जाएगा। तो ये रेडियोएक्टिविटी थोड़ा अलग सी चीज है जो आ जा रहा है, बाकी केमिकल काइनेटिक्स भी बहुत ज्यादा आता नहीं है, कभी दो क्वेश्चन कभी एक क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें रेट हो गया, ऑर्डर हो गया, इन सबसे रिलेटेड एक्टिवेशन एंड रिलेटेड चीजें आती हैं, तो उनको आपको देखना है अच्छे से, वीडियो लेक्चर्स में अच्छे से आपको बताया जाएगा। अगला टॉपिक इक्विलिब्रियम, जिसमें दो आते हैं आपके केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, इससे क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं और अच्छे मात्रा में क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं कि पीएच पीओएच और सॉल्वेंटी प्रोडक्ट के अराउंड ही घूम रहे हैं और उससे ज्यादा नहीं जाते हैं, और जो आपका बाकी केमिकल इक्विलिब्रियम में तो लीच एंड लेयर के एप्लीकेशन से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आसान चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा और इसमें काफी ट्रिक्स भी इन्वॉल्व होती है, उसको भी आप लोगों को बताया जाएगा। अगला सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री के लिए भी मैं कहूंगा कि एनसीईआरटी आपकी गीता बाइबल की तरीके से काम करेगी, इसके बाहर आपको जाना नहीं है। एनसीईआरटी में आपको क्या करना है कि वो भी जो एक आध क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी कोलाइडर कोलाइडर सॉल्यूशन से ही रिलेटेड, उसके प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगला हम लोग बात करते हैं चैप्टर मोर कॉन्सेप्ट, मोर कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन आप लगभग एक जैसा समझिए, दोनों में कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाया जाता है, तो जो कंसंट्रेशन टर्म्स मोलैरिटी मोलैरिटी इन सबसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ज्यादा आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है और बहुत इजी गोइंग क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे निकल जाएंगे। अगला जो चैप्टर मैंने दो चैप्टर लिखा सॉलिड स्टेट और थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स आप देख सकते हैं अभी पिछली बार दो क्वेश्चंस आ गए, ये बहुत इजी क्वेश्चंस आए, लेकिन तीन साल थोड़ा पूरा ब्लैंक है, तो ये चीज मैंने पहले ही कहा कि आपको जो भी एनालिसिस दी जा रही है ये आपको रखना है कि जब आपका रिवीजन करने लगेंगे तब आपको स्किप करने में आपको हेल्प करेगा, और बाकी सॉलिड स्टेट भी चैप्टर्स क्वेश्चन तो ब्लैंक हो रहे हैं, एक क्वेश्चन 2015 में आया था उसके बाद कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, लेकिन चैप्टर्स आपको पूरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, आपको वो सब हेल्प करेगा। और ये रहे हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के, तो इस तरीके से हमने आपको पूरे केमिस्ट्री के क्वेश्चन वाइज एनालिसिस कर दे, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इन सबको नोट कर लीजिएगा, आपको रिवीजन में बहुत मदद करेगा, और हमारे वीडियोस को पाने के लिए और भी हम लोग सब्जेक्ट एनालिसिस आपको लगातार देते रहेंगे, और हमारे वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस अच्छी लगे आपको आप उसको शेयर करिए, लाइक करिए, और आपको जो भी क्यूरीज हो, जो भी आप क्यूरीज हो आप उसको कमेंट बॉक्स में करिए, हम लोग उसका आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक्स।